चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है और आज जो है नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक पूरी तरह से मैदान में आ गया। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है वीरेंद्र खटीक जी जो केंद्रीय मंत्री है। सर आप बताइए किस तरह की तैयारी है बीजेपी की इस बार? भारतीय जनता पार्टी पांचवी बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में। हमारे आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र से हमारे मधु गहलोत जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और उनके प्रति मैंने देखा है सुबह से यहाँ युवाओं में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में, समाज के सभी वर्गों में जिस तरह से उनके प्रति विश्वास है, वो विश्वास इस बात को बता रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र से भी मधु गहलोत जी बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ। पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्या सीन नजर आ रहा है अभी? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें, चाहे बघेलखंड की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें, चाहे चंबल की बात करें, मालवा की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी आगे आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल 365 दिन समाज के बीच में जाकर, फिर हमारी जो डबल इंजन की सरकारों ने, चाहे हमारी राज्य की सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमानी शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे केंद्र के हमारे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो जनहित ऐसी योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया गया, उसके कारण से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि अगर हमारे मकान बनने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है इसको आगे जारी रखना है, जल जीवन का मिशन का पानी आ रहा है, आयुष्मान भारत योजना, बगावत की स्थिति काफी जगह देखने में आ रही है प्रत्याशियों की घोषणा के बाद, कई जगह बगावत, नाराजगी, असंतोष है, इस पर आप कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्थानीय स्तर से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला और प्रांत स्तर तक बहुत गंभीरता के साथ में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग नेतृत्वगण इस दिशा में काफ़ी गंभीरता से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको फिर से पार्टी के अंदर वापस लाने के लिए, उनके विड्रॉ कराने के लिए हम लोग दिशा में काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार सर पूरा नंबर गेम है, अगर नंबर कहीं आते हैं उस दिशा में आप क्या करेंगे? क्या कांग्रेस से पहले जैसा वापस से कुछ? हम पूरे बहुमत के साथ में सरकार में आ रहे हैं, कहीं अगर आपको नंबर की कमी पड़ी तो तब आप कहीं कोई कमी नहीं पड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ मतभेद में सरकार में आ रही है, लेकिन चेहरा अभी तक आपने घोषित नहीं किया सर, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है और यहाँ पर संगठन में सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि चेहरा एब्सेंट होने से कहीं नुकसान होगा संगठन का? नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ में जीत के आ रही है। जनता जो है ना, हमारा कार्यकर्ता पीछे, समाज आगे है, समाज पूरे मतलब उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। चेहरे को लेकर कोई शंका कुशंका है? क्योंकि पिछली बार हर बार आप चेहरा घोषित करते हैं। अरे हम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं और विकास जो कुछ अभी तक किया है उस विकास को जनता खुद आगे बढ़ाना चाह रही है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में है इस बार, इसका वीरेंद्र खटीक का यह कहना है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर क्यों सामने नहीं रखा जा रहा है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी आगर।